बालाघाट में नेहरू स्पोर्ट्स क्लब बालाघाट के तत्वाधान में 7A साइड हॉकी टूर्नामेंट के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री वर्तमान विधायक गौरीशंकर विसेन। आपको बता दें कि नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित राजेश पाठक के द्वारा यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष कराया जाता है। पाठक ने बताया कि विश्व में कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पैर पसार रखा था, जिससे युवाओं का खेल के प्रति लगाव होने से छोटी हॉकी खेल का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे नेहरू स्पोर्ट्स क्लब बालाघाट द्वारा स्वर्गीय जेपी यादव एवं हीरा लाल नगोसे की स्मृति में नेहरू स्पोर्ट्स क्लब में समापन आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री गौरीशंकर विसेन सहित अन्य वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। जी और जेपी यादव साहब जो अपने हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, खेल प्रेमी रहे, दर्शक रहे, उनकी याद में ये छोटी हॉकी का आयोजन किया गया है। आज इसका समापन अवसर है, जो समापन के हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई गौरीशंकर विसेन जी मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने खेल को प्रारंभ किया। और अभी जो फाइनल टीमें खेलने वाली हैं, तो बॉयज़ की टीम खेलेगी वो ब्रह्मपुरी वर्सेज जबलपुर के बीच होगा, लेकिन इसके पूर्व जो फाइनल मैच हमारी गर्ल्स टीम खेलने जा रही है वो बालाघाट ए वर्सेज बालाघाट बी। ये खुशी की बात है कि गर्ल्स टीम जो दोनों फाइनल में पहुंची हैं, दोनों ही टीमें बालाघाट की हैं, तो निश्चित रूप से इस खेल में बहुत ही कौतूहल रहेगा। मैच प्रारंभ होने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि दर्शक खेल को देखना चाहते हैं और इन जो हमारी गर्ल्स हैं जो पहुंची है हमारी दोनों टीमें बालाघाट ए और बी, इनके खेल का प्रदर्शन निश्चित रूप से उत्कृष्ट अच्छे खेल का प्रदर्शन इन्होंने किया है, जहाँ तक पहुँची हैं। हम चाहते हैं कि इनका फाइनल मैच देखने के लिए दर्शकों के बीच हम ज़्यादा देर न रहें, इसलिए मैं अपनी वाणी को ऐसे समापन अवसर पर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय गौरीशंकर विसेन जी आज इस सुंदर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई किरण बाबू त्रिवेदी जी, पूर्व अध्यक्ष नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ज्ञानचंद बापना जी, हमारे बीच उपस्थित हैं मोदी जी, हमारे बामन जी हैं, रमेश कालू, बालाघाट ए और बालाघाट बी, ये दोनों टीमें हमारे जिले की हैं, हम इनको भी आज इस अवसर पर रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।